रोड एक्सीडेंट एरिया। और ये देखिए टनल भी है, ये देखिए क्या बढ़िया रोड है, आप देखते रहिए, ऐसा व्यू हमें बार बार नहीं मिलेगा। बिल्कुल ही सीधा मोड और ये बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पर दोनों साइड, क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ब्रिज को करेंगे क्रॉस और अब दूसरे गियर पे आना पड़ गया। घाटी है ना चारों तरफ, आवाज गूंज रही है, ये रोड बिल्कुल ही कंजस्टेड है। अब हम पहुंच चुके हैं घाटी में नीचे, अब तो तेल पे चलेगी जी गाड़ी, अब चढ़ाई आने वाली है आगे से, उनकी आप देख लेंगे इसी बहाने। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं घाटी में नीचे, जो घाटी मैंने आपको टॉप से दिखाई थी, अब बस इस घाटी से ही चलेंगे हम। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी वालों ने रोड बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे, और हमारे पास तेल बहुत ही कम था, हमने 2 लीटर तेल लिया सिर्फ, क्योंकि वो तेल महंगा दे रहे थे, और हम न्यूट्रल चल रहे हैं ताकि हमारा तेल बचे और सफ़र कटे, क्योंकि आगे थोड़ी चढ़ाई आएगी वहाँ पर हमें तेल यूज़ करना पड़ेगा। तो उम्मीद तो है कि हम 2 लीटर के तेल में तकरीबन 60-70 किलोमीटर पहुंच जाए, और चढ़ाई शुरू। अब पता नहीं आगे चढ़ाई दोबारा ना, इसलिए हम फ्यूल पर ही चलते हैं। और अच्छा हुआ उन्होंने भी हॉर्न मारा और हमने भी, कोऑर्डिनेट अच्छा हो गया दोनों का आपस में। ये देखिए क्या बढ़िया रोड है, आप देखते रहिए, ऐसा व्यू हमें बार बार नहीं मिलेगा। और ये देखिए कुछ मोड़ ऐसे भी है यहाँ पर, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े। वेलकम टू लाहौरिंग पाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब तो तेल पे चलेगी जी गाड़ी, अब चढ़ाई आने वाली है आगे से। और आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ साथ में नदी बह रही है। जय भगवान जी। मेरे गाने सुन के ऑडियंस बड़ी खुश होगी। ये देखिए दोनों साइड क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ऐसे ऊपर करके दिखाऊं या नीचे करके। और ये देखिए टनल भी है, सीमा समाप्त हो गई है, और बिल्कुल ही सीधा मोड और ये बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पर। और ये देखिए बहुत ही अच्छी रोड है और है भी सीधी, ऐसा रोड हो भले सिंगल पर मजा ही आ गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इसके बीच से चारों तक क्या दोनों तरफ, बेहतरी है कि हॉर्न बजाते रहे। अब मुझे ठंड लगने लग गई है, मेरी पैकिंग मैंने खोली हुई थी, अब फील हो रहा है ठंड का, क्योंकि अब हम स्पीड में चले थे। अरे ऊपर देख बर्फ कैसे जमी हुई है, पूरा नाला जम गया है, गंगा नानी 7 किलोमीटर। और ये देखिए यहाँ पर टॉयलेट बनाए हुए हैं लोगों के लिए, और भेड़ बकरियाँ भी है यहाँ पर, आर्मी के बहुत ज़्यादा ट्रक चल रहे हैं यहाँ पे। और ये NTPC वालों का प्रोजेक्ट है यहाँ, जो भी ये छोटा सा प्रोजेक्ट था, हमें सेब दिए गए थे 10-12, हम उसे खा ही नहीं पा रहे अभी तक, हमने सिर्फ 4 सेब खाए 2-2 करके। और ये पहुँच गया है ब्रिज, और ये देखिए छोटा सा झरना, गाड़ी होती तो उसको हम यहाँ पे धोते पर बाइक को नहीं धोएंगे हम। और यहाँ से है यू टर्न एक और अब हम इस ब्रिज को करेंगे क्रॉस, रोड एक्सीडेंट एरिया। और अब हम ये चली 0.5 किलोमीटर की डबल लेन, सिर्फ ये 0.5 किलोमीटर की है, क्या बढ़िया रोड है, मज़ा आ रहा है थोड़ी देर के लिए, पर ये मज़ा सिर्फ 1 मिनट का है, के बाद ये सिंगल रोड शुरू हो जाएगी। और ये देखिए सामने ऐसी पहाड़ी क्रॉस करनी पड़ेगी हमें, इसके बाद है ये सिंगल रोड। अब हमें तीसरे गियर पे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू चढ़ाई है तकरीबन 1.5 किलोमीटर की, फिर शायद इसके बाद हम न्यूट्रल चल सकेंगे। चढ़ाई में तो ठीक है ये, और अब दूसरे गियर पे आना पड़ गया। पानी तो कम है ना, पर ये घाटी है ना चारों तरफ, आवाज गूंज रही है, कितना पानी तो है नहीं, सतलुज में ना बड़ा तगड़ा। और ये देखिए बिल्कुल उतराई, और ये बलेरो आई,
न्यूट्रल चलने वैसे है खतरनाक, इधर ब्रेक का बड़ा जोर लग रहा है, गियर पे स्पीड नहीं पकड़ती ना, कर देने चाहिए मोड़ मोड़ थोड़े तोड़ के, खतरनाक दुर्घटना होती होगी यहाँ पे। और ये रोड बिल्कुल ही कंजस्टेड है, ये बहुत अच्छी बात है कि राइट साइड इन्होंने ग्रिल्स लगाई हुई है, और यहाँ पे रोड बनाना भी बहुत खर्चा आया होगा गवर्नमेंट का। गंगा नानी अब थोड़ा ही बचा है जी, यहाँ पे चारों तरफ जहाँ भी नजर मारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ी है, चाहे जिस तरफ भी देखे हम, जीवन है तो जहाँ है इसलिए सुरक्षा महान है। चलिए फिर एक पुल भी आप देख लेंगे इसी बहाने। ये देखिए एक छोटा सा तालाब, और अब मैं इसमें जा रहा हूँ। क्या उल्टे करके जा रहे हैं? यहाँ गहरा भी ज्यादा है, तो पानी के अंदर का ट्राई कर लूँ। ये देखिए ऊपर बहुत ही गर्म पानी है, ये नीचे जाना आसान है पर ऊपर आने के लिए थोड़ा। मिल गया, गुड। और ये देखिए गंगा का पानी जो एक छोटे से डैम ने इसे रोक रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।